Good morning guys and welcome back to another video or vlog कह सकते हो. So आज मैं intro नहीं दूंगी क्योंकि हर video में दे दे के मैं थक गई. So ये आपको intro पता ही है मेरा. So आज का video exactly कहूँ तो एक second मैं camera सही से कर लेती हूँ. हाँ सो आज का वीडियो एग्जैक्टली कहूँ तो एक व्लॉग भी नहीं है क्योंकि मैं इसे फुल डे कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ. दिस इज़ अबाउट माय वार्डरोब क्लीनिंग. ऐसे जैसे सबको पता है कि दिवाली आ रही है एंड हमारे घर की साफ़ सफाई चल रही है, आई मीन सबकी चल रही है, तो मेरी भी लाइक पोर्शन से पोर्शन हम लोग भी कर रहे हैं. सो आज मेरी फ़ैन क्लीनिंग की ड्यूटी थी जो मैंने कर लिया ऑलरेडी. मेरे घर पे 7 फ़ैन है. सो मैंने बैठा बैठ के कैसे जैसे करके क्लीन किया है. क्योंकि आज संडे है सो आज ही मेरे पास कुछ टाइम होता है घर की क्लीनिंग के लिए भी हो, यूट्यूब के लिए भी हो. सो आई थॉट कि मैं पहले वार्डरोब क्लीन करके फिर मैं आप लोगों को एक छोटा सा वार्डरोब टूर भी दिखा दूँ क्योंकि इतने दिन से वो वार्डरोब देखने के लायक नहीं है. मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाई दूंगी एनी विच वेज. सो इसीलिए मैंने कभी वार्डरोब टूर का सपने में भी नहीं सोचा है. सो ये भी मेरा फुल वार्डरोब नहीं है जो अब मैं क्लीन करने वाली हूँ. उसमें से मेरे आधे कपड़े इधर उधर दूसरे कबर्ड्स में है. तो एग्जैक्टली वार्डरोब टूर भी नहीं कह सकते, बट हाँ मेरी 90% जितनी कपड़े होती है वो सब मैं इसी ड्रॉअर में रखती हूँ. तो अभी मैंने उठ के फ़ैन वगैरह साफ़ कर लिया है. सो अभी आई एम वेरी वेरी हंग्री. सो आज संडे के दिन मैं नाश्ता यूजुअली करती हूँ, बाकी दिन मैं सिर्फ सुबह उठ के शेक पीती हूँ. बट संडे इज़ लिटिल स्पेशल, यू नो इट्स अ चिलिंग डे. सो मैं शेक को रेस्ट दे देती हूँ एंड अभी मुझे पता नहीं नाश्ते में क्या है. सो लेट्स सी क्या है. ओके सो नाश्ता तैयार है. जलेबी फाफड़ा और उसके साथ ये चटनी एंड सम कॉफ़ी. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये खाना. सो आज संडे है इसलिए समथिंग डिफरेंट एंड अब मैं इसे चूसने वाली हूँ. सो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है. जलेबी थोड़ी ठीक ठाक सी थी तो मैंने ज़्यादा खाई नहीं. तो अभी मुझे करना है मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्योंकि स्किन का ध्यान रखना भी ज़रूरी है और उसके बाद हम चलेंगे वार्डरोब क्लीनिंग के ऊपर. My skin looks something like this. So yeah, every day करना पड़ता है. It hardly takes 4 to 5 minutes to do this routine. So I think there shouldn't be any problem सबको करने के लिए. And इसको लगाने के बाद lips बहुत ही अच्छे लगते हैं. So अभी चलते हैं वाटर क्लीनिंग के ऊपर finally. ओके सो दिस इज़ माय वार्डरोब. ऊपर थोड़ा सा सामान है, डोंट माइंड दैट. एंड अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगी तो यू विल बी क्रेजी कि कोई इतना गंदा कैसे अपना वार्डरोब रख सकता है. बट यस आई एम. सो आप देखो नीचे से ऊपर तक ऐसा लगता है मैं कुछ भी पकड़ूंगी वो नीचे गिर जाएगा. एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर टू क्लीन आवर वार्डरोब. आई डोंट वांट टू गिव अ टूर राइट नाउ. सो मुझे कहीं ना कहीं इस कैमरे को सेट करना पड़ेगा सो दैट आई कैन स्टार्ट माई शूटिंग. ओके सो ये कैमरा यहाँ के लिए सेट किया है मैंने. लेट्स सी कैसा है. सो सबसे पहले सब कुछ मुझे नीचे फेंकना है एंड एक्चुअली मुझे बहुत सारे कपड़े
फेंकने भी है जो मैं पहनती नहीं हूँ. मेरे को अंदर डिग करके देखना है कि मेरे पास कौन से कपड़े हैं. तभी लाइक माई मॉम ने सेड कि जब भी तू वार्डरोब क्लीन करेगी सारे अनवांटेड कपड़े निकालेगी दैट इज़ व्हेन शी अलाउ मी टू बाय न्यू क्लोथ्स. वरना ऑब्वियसली जगह नहीं होती, फिर मैं एक के ऊपर एक ठूस देती हूँ एंड यू नो मेसी हो जाता है. सो लेट्स सी आज कितने कपड़े निकलते हैं. एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ड्रेस मैं निकालने के बारे में सोचती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि नहीं यार कुछ दिन और पहन लूँ. ऐसे करके मैंने बहुत कपड़े एक डेढ़ साल से एक्सटेंड कर रखे हैं. सो आई शुड बी लिटिल यू नो मुझे थोड़ा दया कम दिखाना इन कपड़ों पे एंड आई शुड बी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल इनफ कि क्या मैं पहनूंगी और क्या नहीं. एंड थोड़े बहुत मैंने नए कपड़े भी लाए, अभी तक मैंने वो अंदर रखे भी नहीं है तो मुझे वो भी रखना पड़ेगा. सो यह बकवास बहुत हो गई, अब काम शुरू करते हैं. ओके सो फर्स्ट अलमारी फर्स्ट ड्रॉ जो है वो हो चुका है. उसमें से ये तीनों कपड़े बाहर निकले हैं, बहुत कम है आई नो. सो दिस इज़ लाइक अ प्लाजो, अब जो मैं पहनती नहीं, बहुत पुराना हो गया. दिस इज़ अ वन पीस जो कि अभी मेरे को थोड़ा छोटा होता है एंड अब मेरा ये स्टाइल रहा नहीं. सो आई सी इफ़ आई कैन गिव इट टू समवन आई नो, क्योंकि बिल्कुल कुछ फेड नहीं हुआ, अच्छा है, कलर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. एंड उसके बाद ये थोड़ा फेड हो चुका है एंड बहुत बार पहन लिया. सो या अब हम चलते हैं सेकेंड वाले रॉ के ऊपर. After lots and lots of hard work,
आई कम्प्लीटेड इट. आपने देखा होगा बहुत टाइम लग गया है, तो अभी मैंने सोचा है कि मैं अपना वार्डरोब टूर भी दे दूँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी दिखाने लायक है एंड मैंने थोड़ी स्पेस बना रखी है. इफ़ एट ऑल मैं नए कपड़े, इफ़ एट ऑल मैं नए कपड़े परचेज करती हूँ, तो वो मतलब रखने के लिए मेरे पास जगह भी होना चाहिए. सो आई जस्ट शो द मेस अराउंड. सो इतना, एक मिनट, मैं बैक कैमरा में दिखा देती हूँ. सो ये सारे कपड़े जो है मैंने निकाल दिए फेंकने के लिए, और ये सारे मेरे लेगिंग्स है, इसको भी मुझे सेट करना है. इसमें क्या क्या मतलब फेड हुए वे वो निकाल दूंगी. बाकी के मेरा जो दूसरा अलमीरा है जिसमें सिर्फ मेरी कुर्तियां है उधर, और ये सब भी मेरी थोड़ी बहुत कुर्तियां है जो ये कुर्ती वाले वार्डरोब में जाएंगे. एंड या ये सब भी थोड़ी बहुत कुर्तियाँ हैं. एंड ये थोड़ा सा छोटा सा ऑफिस सेटअप है, ये मेरे पापा का ऑफिस सेटअप है. सो यही सब है. और ये थोड़े कपड़े मैंने निकाले हैं अनाथ आश्रम में देने के लिए. इनमें से भी मैं आधे अनाथ आश्रम में एंड थोड़े बहुत जो एकदम अच्छे हैं वो मैं अपने किसी छोटी बहन या कजिन वजिन को दे दूंगी. सो लेट्स ओके. सो दिस इज माय वार्डरोब एज यू गाइस कैन सी. सो अभी हम सेक्शन वाइज जाते हैं. सबसे पहले ये वाला रैक देख लेते हैं. तो यहाँ पे एंड यहाँ पे जो है मेरे सारे ड्रेसेस है, वन पीस, शॉर्ट ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस, जो भी है मीडियम लेंथ के. सो इतने रखे हैं. मैंने थोड़े बहुत दो तीन ड्रेस निकाल दिए क्योंकि अब मैंने बहुत सालों से पहन लिया. इसमें से भी मुझे बहुत सारे निकालने थे बट माय मॉम यू नो निकालने नहीं दे रहे थे. पहन ले थोड़े दिन और करके. सो और 6 महीनों में इसके आधे हो जाएंगे. एंड ये वाला जो सेक्शन है इसमें मेरे सारे क्या बोलते हैं ओवरकोट्स एंड श्रग्स एंड ब्लेजर्स जो भी है वो सब कुछ है. सो ये सेक्शन उसको डेडिकेटेड है. एंड जो ये लास्ट सेक्शन है इसमें सारे मेरे क्या बोलते हैं यार इसमें कोऑर्डिनेट सेट्स है मेरे. सो जो कोऑर्डिनेट सेट का मतलब है टॉप एंड बॉटम दोनों एक ही कलर एक ही डिज़ाइन के होते हैं. सो ये 4 कोऑर्डिनेट सेट है मेरे पास. ये आई थिंक स्कर्ट और टॉप है, ये प्लाजो और टॉप है, ये शॉर्ट स्कर्ट और टॉप है, ये भी शॉर्ट स्कर्ट और टॉप है. ये वाले जो है सारे मेरे फॉर्मल पैंट्स है. हाँ, जितने भी है ये ब्लैक, ये ग्रीन, ये सारे मेरे फॉर्मल पैंट्स हैं. तो जब मैं ऑफिस जाती थी एक ज़माने में तब मैं ये पहना करती थी, अभी ज़्यादा यूज में नहीं आते. एंड ये सारे मेरे डेनिम हैं. आई नो सबसे कम डेनिम आई थिंक मेरे पास ही होंगे. 2 डेनिम, आई मीन ये ब्लू कलर के, एक ब्लैक और एक वाइट, वेरी सिंपल एज दैट. मेरे को डेनिम्स में ज़्यादा यू नो शौक नहीं है रखने का. इसमें से भी आई डोंट आई एम गोना कीप दिस और नॉट, थोड़े दिन बाद आई एम गोना थ्रो इट एंड आई वांट टू गेट अ ब्लैक डेनिम क्योंकि इसका कलर फेड हो गया है. सो एंड आ जाते इस सेक्शन पे. आई नो ये मैंने बराबर फोल्ड नहीं किया, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था इसको फोल्ड कैसे करते हैं. सो ये जितने भी है ये सारे मेरे शर्ट्स हैं, क्रॉप शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स, शॉर्ट शर्ट जो भी है. सो मुझे इजी रहेगा कि अगर मुझे शर्ट पहनने का मन है किसी दिन तो मैं इसमें से ही चॉइस कर सकती हूँ. सो इसलिए मैंने बाकी कहीं कुछ नहीं रखा है. और जो ये लास्ट सेक्शन है इसमें मेरे शॉर्ट हुडीज है, इसमें मेरे स्वेट शर्ट्स हैं. सो जितने भी लॉन्ग वाले हैं जो मतलब सर्दियों के टाइम पहनने लायक कपड़े हैं, जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है. वैसे भी चेन्नई में इतनी सर्दियाँ होती नहीं हैं, सो ये ज़्यादा पहनने में नहीं आते. तो ये वो वाले सेक्शन है मैंने साइड में रखा है. अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ. तो नीचे ये वाले आई थिंक ये पूरा मैंने अपने क्रॉप टॉप्स के लिए डेडिकेट करके रखा हुआ है. सो ये जितने भी है ये मेरे स्लीवलेस जो स्ट्रैपी वाले टॉप होते हैं ना, तो ये वो है. सो मुझे पता है कि मुझे कोई अच्छी जगह जाना है, पार्टीज एंड ऑल जाना है, तो मैं यहाँ से चॉइस करूँगी. उसके बाद जो है ये मेरे लॉन्ग वाले टॉप है. आई नो अभी भी थोड़ा ढंग से जमा नहीं है, आई एम नॉट दैट गुड इन दिस. सो ये वाले जितने भी है ये मेरे लॉन्ग वाले टॉप्स है जो बाहर भी पहन सकते हैं, तो ये क्रॉप वाले नहीं है. तो मुझे आइडिया रहेगा कि ये मेरे लॉन्ग टॉप्स है, इसमें से मुझे क्या देखना चाहिए. और उसके बाद जो ये वाला सेक्शन है ये मेरे एकदम कैजुअल वाले टॉप्स है, एकदम मतलब एकदम कैजुअल. सो ये इधर उधर बाहर जाना है, फ्रेंड्स के घर पे जाना है, तो मैं वहाँ पे पहन सकती हूँ. और ये जो लास्ट सेक्शन है ये सारे मेरे क्रॉप टॉप्स है, मतलब नॉट स्लीवलेस, ये मेरे नॉर्मल वाले शॉर्ट क्रॉप टॉप्स है. तो मैंने इनको बना दिया.
तो मुझे आइडिया रहेगा कि किस में से मुझे क्या चूज करना है ओकेशन के हिसाब से, मैं कहाँ जा रही हूँ उस हिसाब से. सो दिस इज डन. सबसे अभी नीचे वाले इसमें आ जाते हैं. सो दीज आर माई जॉगर्स एंड जो घर पे मैं पहनती हूँ, जिम के लिए पहनती हूँ, दीज आर लाइक दैट. ये बॉक्सर्स है बीच में एंड ये दो तीन जो है लॉन्ग ट्राउजर्स काइंड ऑफ है. सो ये जिम में पहन सकती हूँ. उसके बाद जो है मैंने अभी अभी अपने सारे पुराने कपड़े निकाल दिए थे क्योंकि वो बहुत साल हो गए थे. सो दीज आर माई न्यू टी शर्ट्स फॉर घर पे एंड जिम एंड ऑल. सो इतने ही है, मुझे ज़्यादा रखना नहीं, भीड़ नहीं करना अपने वार्डरोब में. सो जो ये वाला सेक्शन है दिस इज़ फुल ऑफ टीज एंड स्पेगेटीज एंड ऑल. सो ये ग्रे में वाइट एंड ब्लैक एंड न्यूड कलर या जो भी है, सो टॉप्स के अंदर पहनने वाले कपड़े हैं. सो द लास्ट एंड फाइनल इज ये मेरा एक जम्प सूट है. ये मेरे पास एक ही जम्प सूट है तो मैंने एक ही रखा है. ये दो मेरे डेनिम के शॉर्ट्स है एंड जो नीचे दो ये ब्लैक और एक डेनिम स्कर्ट है. तो स्कर्ट्स एंड शॉर्ट्स एंड जम्प सूट जितने मेरे पास मैंने यहीं पे रखे. आई नो कम है क्योंकि ये ज़्यादा पहनने में नहीं आते, वेकेशन के लिए मैंने रखा है. सो दैट्स इट. सो यही है मेरा पूरा वार्डरोब. सो दिस इज़ ओनली वेस्टर्न क्लॉथ्स. सो इसके अंदर जो भी है मेरे लॉन्जरी सेक्शन है इसलिए मैंने दिखा रही. एंड या आई नो मैंने ढंग से इतने खास जमाए नहीं, बट जो भी हो एटलीस्ट मुझे विजिबल हो रहा है तो आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर इट इज़. एंड लेफ्ट ओवर पार्ट यहाँ पे है जो दूसरे कबर्ड में जाएंगे. सो ये सिर्फ और सिर्फ आधे कपड़े हैं क्योंकि कुछ कुछ जो नए नए टी शर्ट्स हैं वो मैंने किसी वीडियो के लिए रखे हुए हैं. मुझे अभी यूट्यूब के लिए वीडियो भी शूट करना है, बहुत मज़ेदार वीडियो आने वाला है, उसके लिए रेडी रहना. और हाँ, और थोड़े बहुत कपड़े धुलने में पड़े हैं तो जब आ जाएंगे तो वो मैं इनके साथ जमा कर दूंगी. सो या अभी मैं सोच रही हूँ कि एक कुर्ती वाला जो वार्डरोब है अभी मैं करूँ या नहीं. अब मैं सोच रही हूँ मैं करूँ तो भी मैं इसको व्लॉग में दिखाऊँ या नहीं, क्योंकि लिटरली अभी मैं बहुत थक गई एंड मुझे वो वीडियो शूट करते करते बहुत टाइम भी लग जाएगा. सो या देखती हूँ, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ. तो फिलहाल के लिए मैं भी रेस्ट लूँगी क्योंकि मैं लगातार 2 घंटों से यहीं पे भटक रही हूँ. ओके, सो आई थिंक इट्स आफ्टरनून 3 o'clock. लास्ट व्लॉग मैंने 11 बजे 12 बजे के आसपास किया था. अब देख सकते हो कि हल्का फुल्का मेकअप भी किया हुआ है मैंने. दैट्स बिकॉज आई एम इन बिटवीन अ शूट जो मैंने कहा था यूट्यूब के लिए मुझे करना है. तो आधा शूट हुआ है, फिर मैंने मम्मी ने लंच का ब्रेक लिया है क्योंकि उस वीडियो में मुझे थोड़ी बहुत मम्मी के हेल्प की भी ज़रूरत थी तो या मुझे उनको परेशान करना पड़ रहा है. एंड अभी वो थोड़ी देर रेस्ट ले रहे हैं तो मैं उनके लिए वेट कर रही हूँ. जैसे ही वो रेस्ट ख़त्म कर लेंगे तो वील बी बैक टू शूटिंग. सो आई थॉट कि इस बीच में आई एंड दिस व्लॉग बिकॉज जो मेरा मोटिव था व्लॉग का वो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो कुर्ती वाला सेक्शन है वो भी मैं कर चुकी थी बट मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि तब तक मैं बहुत थक गई थी एंड व्लॉग के हिसाब से नो यहाँ जगह बैठ नहीं रहते, दूसरा रूम था तो इतनी स्पेस नहीं थी. तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, वैसे भी छोटा सा ही अलमीरा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था. तो मैंने कुर्तियाँ भी अच्छी खासी डीक्लटर कर लिया एंड सारे जमाए हुए कपड़े रखे मैंने. तो एक दिन जाऊंगी मैं अनाथ आश्रम में देने. आई फील कि एवरी नाउ एंड देन जब भी हम लोग कपड़े निकाल देते हैं उसमें से कुछ सेक्शन हमें अनाथ आश्रम में देना ज़रूरी होता है क्योंकि वो लोग भी यार उनका भी मन करता है कपड़े पहनने का एंड उनको यू नो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाई क्लोथ्स फॉर देमसेल्फ. तो जितना हो सके अच्छे कपड़े भी हो हमें उनको देना चाहिए अगर थोड़े दिन हमने पहना है एंड वी आर बोर्ड. तो सो या इवन आई डू दिस एवरी नाउ एंड देन जब भी मैं कपड़े फेंकती हूँ या फिर अगर मेरी कोई मेड की बेटी होती है या इस्त्री वाले की बेटी होती है उन लोग को भी आप दे सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पर्टिकुलरली अनाथ आश्रम में जाके ही दो. सो या इससे थोड़ा बहुत पुण्य मिलता है, पुण्य से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है. मतलब मैं एक बार गई थी अनाथ आश्रम में तो मैंने जब उनको कपड़े दिए दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी. तो आई थिंक या इस खुशी के लिए सबको ऐसा करना चाहिए. आई नो करते होंगे बट स्टिल मेरा कहने का फ़र्ज़ है, मैंने कह दिया.
तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और इससे थोड़ी बहुत भी आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है तो डेफिनेटली आप भी आज ही जाइए और अपना वार्डरोब साफ कीजिए और जितना भी कपड़े डिक्लटर होते हैं उनको अनाथाश्रम में या किसी और को दे दीजिए। एंड या मैं भी जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बोलना ना भूले। आप लोग खुद देखते हो और भूल जाते, दोस्तों को तो कहते ही नहीं, फिर मेरा चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा। तो जल्दी से जाइए, उनको भी शेयर कीजिए और या बाय। Oh,